फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो भी करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे उन सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने एक वाईफाई जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको ट्रिक्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जीके की जितनी भी ट्रिक्स बन सकती है, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम, या फिर जैसे रुपया, डॉलर, ये सब किस किस कंट्री की करेंसी है, इस टाइप से उसमें उस वीडियोज़ में आपको बताया गया है। तो आप पहले उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको और भी बेनिफिट हो कि एग्जाम्स में आज के लिए पूछे जाते हैं। तो आप इसके साथ में चलो अपन स्टार्ट करते हैं अब अपने करंट अफेयर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने में अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया? तो अंडर वाटर म्यूजियम किस में बनाया गया है? भारत में, चीन में, जर्मनी में या जॉर्डन में? तो जो अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया, ये बनाया गया जॉर्डन में, यानी कि डी इसका सही आंसर है। जॉर्डन के अकाबा में दुनिया का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है। यह समुंदर में 28 मीटर यानी कि 92 फुट की गहराई पर बनाया गया। सेना ने यहाँ युद्ध टैंक, सैन्य एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, युद्धक विमान, क्रेन, एंटी एयरक्राफ्ट समेत 19 तरह के सैन्य उपकरण रखे हैं। तो आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा, मतलब जो साइज है कि जितने भी सैन्य उपकरण होते हैं वो वहाँ पे रखे गए हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट टाइम कहीं पे बनाए अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर बनाया, जॉर्डन में। जॉर्डन में कहाँ पर? जॉर्डन के अकाबा में। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में यूपी इन्वेस्टर समिट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है ये सेरेमनी कहाँ पे उद्घाटन हुआ है यूपी। इस सेरेमनी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या आगरा? तो अमित शाह के द्वारा इस सेरेमनी का उद्घाटन किया गया, ये किया गया लखनऊ में, यानी कि बीस का सही आंसर है। इस समिट का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सुशासन का एक मॉडल स्थापित करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की सुविधा के लिए सक्रिय प्रयास करना है। यूपी इन्वेस्टर समिट के दूसरे ग्राउंड के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को शामिल करते हुए दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में देश को शामिल करने हेतु ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के दृष्टिकोण से प्रयास किया गया है। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में भी एक सम्मिलित है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो स्कीम चलती है उससे भी इसको ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इटली के सक्रिय ज्वालामुखी से लावा और धुआं निकलने के कारण वहां जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो आपको बताना है उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? वेसुवियस पर्वत या कोटोपेक्सी, माउंट एटना या स्ट्रॉम वैली? अभी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि सक्रिय हो गया, तो इसलिए आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि वो नाम क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। उसका जो इटली में है उसका नाम है माउंट एटना। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि माउंट एटना कहाँ पे है, तो आपको जानना है इटली में। अभी ये इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि ये एक्टिव हो गया और एक्टिव स्टेट में आ गया और इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पे है, इसलिए माउंट एटना इटली में है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वोल्केनोलॉजी के अनुसार जून के प्रारंभ में ये ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था। माउंट एटना यूरोप की सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी, इससे भी बन सकता है कि माउंट एटना की यूरोप की सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना माउंट एटना कहाँ पे? इटली में है। यह इटली के सिसली के पूर्वी तट पर स्थित है। इटली का सबसे ऊंचा पर्वत है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह ज्वालामुखी लगभग 3326 मीटर ऊंचा है, तो आपको ध्यान रखना है माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है? इटली के सिसली में। इस टाइप से आपको ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय सैंड आर्टिस्ट को अमेरिका के प्रतिष्ठित सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल 2019 में पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया था? बताना है इसे कौन से भारतीय सैंड आर्टिस्ट है जिन्हें अमेरिका में अवार्ड मिला है पीपुल्स चॉइस अवार्ड? नितेश भारती को, राहुल आर्य को, या नारायण साहू, या सुदर्शन पटनायक को? तो ये अवार्ड मिला है सुदर्शन पटनायक को, यानी कि डी इसका सही आंसर है। सुदर्शन पटनायक के रेत में उकेरी गई आकृति में समुद्र में होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने का एक संदेश दिया गया है। मास्चुटस में रिवर बीच पर आयोजित इस प्रतियोगिता में पटनायक के अलावा विश्व के 15 टॉप सैंड आर्टिस्टों ने भाग लिया था। तो आपको ध्यान रखना है अभी पीपुल चॉइस अवार्ड किसको मिला है? सुदर्शन पटनायक को, और ये इंडिया के हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री ने किस राज्य के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की क्षमता सुदृढ़ीकरण पहल यानी कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो आपको पता नहीं कहाँ पे की गई है, बिहार में, तमिलनाडु, झारखंड या पंजाब? तो ये की गई है झारखंड में, यानी कि सी इसका सही आंसर है। इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक प्रशिक्षणों में 2800 क्षेत्र प्रशिक्षकों का एक समूह बनाया जाएगा जो भारत में पूरे देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त, ओपन डिफिकेशन फ्री गांवों में स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त यह पहल क्षेत्र प्रशिक्षकों एवं पंचायत राज संस्थान के सदस्यों को ठोस और तरल
अपशिष्ट के प्रबंधन के साथ सुरक्षित एवं पेयजल आपूर्ति के बेहतर सुविधा कराने में सहायक होगी। मतलब इस टाइप का इसका मेन मोटिव यह है कि उनको जो अपशिष्ट होते हैं उनको उनका प्रबंधन कराने में ये सहायता प्रदान करेगी। उनको आप कैसे वापस रीयूज में या फिर फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। स्टार्ट कहाँ से हुई है? झारखंड से हुई है। किसने स्टार्ट करी? केंद्रीय जल मंत्री ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश की एक प्रमुख स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस ने देश का पहला वाणिज्य रॉकेट लॉन्च किया है जो उपग्रह को कक्षा में ले जाने में सक्षम है? तो आपको बताना है ऐसा करने वाली ये जो स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस, ये कौन से देश की है? चीन की, नेपाल की, पाकिस्तान की या बांग्लादेश की? तो ये कंपनी है चीन की, यानी कि ये इसका सही आंसर है चीन। ने ये कदम अंतरिक्ष के निजी उपयोग के संदर्भ में बेहतर महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे पहले साल 2018 में चीन की रॉकेट निर्माता कंपनी लैंडस्केप और वन स्पेस ने इस तरह के प्रयास किए थे, लेकिन ये दोनों रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने में असफल रहे। तो कौन सी कंपनी का सफल हुई है? आई स्पेस। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में रूस के साथ किए एयर टू एयर मिसाइल को खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपये का समझौता किया है। तो उस एयर टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? आपको बताना है R-27 मिसाइल, P-66 मिसाइल, JT-77 या MG-18। तो वो मिसाइल का नाम है R-27, यानी कि ए इसका सही आंसर है। भारतीय वायुसेना ने रूस से 1500 करोड़ रुपए की R-27 मिसाइल को खरीदने के लिए एक समझौता किया है। R-27 को 60 किलोमीटर की रेंज तक 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का वजन 253 किलो है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी नई मिसाइल कौन सी आई है अपने पास? R-27 कहाँ से खरीदी है अपन ने? ये रूस से खरीदी है, तो ये ध्यान रखना है इस टाइप से आपको। नेक्स्ट देखते हैं, बाघों की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2018 के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बाघ मौजूद है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी बाघों पर रिपोर्ट आई थी, तो ये है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में, यानी कि सी इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में 526 बाघों के साथ देश में पहले स्थान पर है। कर्नाटक में 524 है बाघों के साथ दूसरे स्थान पर। उत्तराखंड में 442 बाघों के साथ तीसरे स्थान पर। प्रधानमंत्री ने बाघों की जनगणना 2018 रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 2014 में भारत में बाघों की संरक्षित इलाकों की संख्या 692 थी, जो 2019 में बढ़कर 860 से भी ज़्यादा हो गई है। तो आपको ध्यान रखना कितने सबसे हाईएस्ट बाघ कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक, फिर उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के किस इलाके में मौजूद 1000 साल पुराना शवाला तेजा सिंह मंदिर बंटवारे के बाद पहली बार पूजा के लिए खोला गया? तो ये 1000 साल पुराना मंदिर है जो कि जब बंटवारा हुआ था 1947 में, उसके बाद अब खोला गया पूजा के लिए। तो ये कहाँ पे स्थित है पाकिस्तान में? लाहौर में, सियालकोट में या रावलपिंडी या पेशावर में? तो ये स्थित है सियालकोट में। पाकिस्तान के सियालकोट में 1000 साल पुराना मंदिर बंटवारे के बाद पहली बार पूजा के लिए खोला गया। दिव्यांग लेखक राशिद नियाज के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री ऑफ सियालकोट के अनुसार यह मंदिर 1000 साल पुराना है और लाहौर से 100 मीटर की दूरी पर 100 किलोमीटर की दूरी पर सियालकोट में क्षेत्र में मौजूद है। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद इस मंदिर पर हमला हुआ था और यह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो अब ये खोला गया वापस 1000 साल बाद में। कहाँ पर स्थित है? सियालकोट में। आपसे पूछा जा सकता है कि ये सबसे पुराना मंदिर जो पाकिस्तान में स्थित है शवाल तेजा सिंह, ये कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में सियालकोट में स्थित है। नहीं देखते हैं, भारत की पहली महिला विधायक का नाम क्या है जिसके सम्मान में गूगल ने डूडल बनाया? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि विधायक को ऐसा विधायक पहली बार है जिनके सम्मान में गूगल ने डूडल बनाया, तो कौन, क्या नाम है उनका? सावित्री स्वामी, अंकिता देश पांडे, मुथु लक्ष्मी रेड्डी या आरती नारायण? तो उनका नाम है मुथु लक्ष्मी रेड्डी, यानी कि सी इसका सही आंसर है। मुथु लक्ष्मी रेड्डी भारत की पहली महिला विधायक होने के साथ साथ देश की पहली महिला सर्जन भी थी। 30 जुलाई को डॉक्टर मुथु लक्ष्मी की 133वीं जयंती के मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें याद किया। डूडल भारत की शिक्षावादी विधायक, सर्जन और समाज सुधारक डॉक्टर मुथु लक्ष्मी के नाम पर बनाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि ये पहली महिला विधायक थी देश की और साथ साथ ये सर्जन भी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए मुथु लक्ष्मी रेड्डी का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।